ले, अरे ये ले, गुस्सा मत करिए, खा ले चुपचाप से, ले नाटक एक नंबर का। आपने पका के दिया था, जब आ रही थी तो गुस्सा हो गई मुझे। नहीं गुस्सा हो गई क्या? अब मैं नहीं खा रही। ऐसी करती है नाटक एक नंबर की, आज बाग दी बकौड़ी। ये देखो आवारा गर्द अब इसमें बैठी है, फिर रूट भूल जाती है अपना, मैं कहाँ से आना है मुझे वापिस। नहीं बेटा नहीं तंग करो उसको, छोटी सी पारी सी। देख के भागेगी, देख 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 हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड, कीपिंग गुड एंड इट शुड बी, यू शुड बी वेल। सो डे हैज स्टार्टेड, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने चने जो हैं वो उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं, चने नहीं सॉरी छोले। और बताओ आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले होंगे और हेल्दी होंगे। सो आज हमारे साथ क्या हुआ, एक्चुअली हमारी जो छोटी वाली चिया जो है ना, हमारी घरेलू चिड़िया जो है वो हाउस स्पैरो, तो हम उसको ना थोड़ा सा, हम जैसे जब हम बाहर बैठते हैं तो दरवाजे खुले रहते हैं, तो हमारे ऊपर ऊपर बैठी रहती है, कूदती रहती, नहीं जाती है। तो अगर जाती भी है तो वापस आती, मतलब पास पास में होके वापस आ जाती है। आज उसको ना रूट समझ में नहीं आया, उड़ गई, पता नहीं कहाँ कहाँ। हस्बैंड ने देखा, हमने सोचा चलो उसको एक ना एक दिन तो उसको उड़ना ही है। सो होता नहीं कि इमोशनली आप अटैच्ड हो जाते किसी इवन की, आप चाहे आप 10 दिन के लिए रखो, चाहे आप अभी, वो मेरे ख्याल से 1.25 महीने से हमारे साथ है। वो छोटी छुट्टू सी थी जब हमारे पास आई थी, और वो इंजर्ड थी, लेकिन अब वो बहुत क्लेवर और बहुत तेज हो चुकी है। उसको बंद करो बेटा, वो इधर आ जाएगी, फैन चल रहा है, ऐसे मत खुला छोड़ो। आजकल वो बहुत तेज तेज का भागती है वो। तो वो एकदम से वो भाग गई, और हस्बैंड और बेटा जो था गया। फिर मैंने हस्बैंड को बोला, उनको लगा कि बेटा ले आएगा, क्योंकि मोस्टली इधर उधर यहीं आसपास में होती है, तो वो आ जाती है, बुलाता है ना तो आ जाती है। बट वो बदमाश मैंने कहा, फिर वो पेड़ पे दूसरी सोसाइटी में उड़ गई। अब दूसरी सोसाइटी में तो जा नहीं सकते, जाना तो पूरा उधर से उनको पूरा साइन वाइन करके दूसरी सोसाइटी में एंटर करना पड़ेगा, इतने में पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी। हाँ अभी क्या हुआ, ये एक उम्मीद छोड़ के कि अब नहीं आएगी आधा पौना घंटा, और मैं इतने में नहा नहो रही थी, मैंने कहा ले आएंगे अभी, क्योंकि अक्सर वो जाती है रूट भूल जाती तो उसको लेके आना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटी है तो रूट। हमने सोचा कि वो सीखे यहाँ का ना, उनको उसको रिकॉग्नाइज करे कि मुझे वापस अपने इसके ऊपर आना है, वापस अपने आशियाने पे। तो आशियाने वो भाई बहन जी वो तो फुर्र हो गई है, पापा की परी तो फुर्र हो गई वो। और फिर ये उदास सा मुँह लेके आ गए, कह रहे मम्मा वो गई। और हस्बैंड भी, फिर 5 मिनट बाद हस्बैंड भी पीछे पीछे आ गए, कह रहे वो दूसरी उसमें गई, अब नहीं आएगी। तो हमने उम्मीद छोड़ दी, हमने कहा चलो उड़ गई फिर। लेकिन मैं आई वॉज जस्ट प्रेइंग फॉर हर, क्योंकि एक अटैचमेंट होता है ना, वो हमारे हाथ से ही खाती है खाना को। बहुत मुश्किल होता है कि जब उसको बहुत भूख लगी और हम अपने कामों में बिजी हों, तब वो अपना जो है अपना उसमें से चोगा जाके खाती है, अदरवाइज़ नहीं। जब अपने मूड में होती है तब वो वहाँ खाएगी, अदरवाइज़ हमारे साथ ही खाएगी। हर एक की प्लेट में वो शेयर करती है खाना, शेयर उसका रहता है। पानी करना, सिगरेट बंद करना, एक ठीक है। अब क्या हुआ जी, वो बहन जी भाग गई, आ गई उदास होके। मैं बाहर खड़ी थी, मैं और चिड़ियाँ ही उड़ रही थी, अब कहाँ पहचान में आती है ना, सारी सेम वैसी घरेलू चिड़ियाँ। तो मैं प्रे कर रही थी, मैंने बोला खुदा आपकी मर्जी से हमारे पास आई थी, आकाश में उड़ने के लिए बनी है, आपकी इच्छा होगी तो वापस आ जाएगी। बाबा अब इतने में क्या हुआ, मैं इधर वापस पलटी हूँ, मेरा डोरबेल बजा,
वो गार्डनर यहाँ ना हमारे सारे इनको पता है कि हमारे घर में चिड़िया है, तो जब भागती तो गार्ड पकड़ के ले आता उसको और वो इधर उधर घूमती रहती तो कहीं डायरेक्शन चेंज हो जाते तो गार्ड भाई पकड़ के दे देते हैं भी रास्ता भूल गई थी। और वो गार्डनर थे, वो अपना जी अपना काम कर रहे थे गार्डन में, तो उन्होंने देखा, उनको पता है कि अभी वो ढूंढ के गए हैं, उन्होंने पकड़ा, वो लेके आए हमारे फ्लैट पे कि आपकी चिड़िया वापस आ गई है। ये एकदम से तेज से दौड़ के गया, हमारी चिड़िया वापस आ गई, फिर उसको एक हाथ से पकड़ के लाए। इधर का डोर खुला था, अब वो बदमाश फिर भाग गई, मेरे से भाग गई, मैं उसको चौका दे रही हूँ ऐसे हाथ करके, फिर भाग गई। अब गार्डनर वो जो बाहर से निकला उसने फिर देखा कि फिर भाग गई है, और फिर से उसको पकड़ के लेके आया एक हाथ से। अभी आते ही फिर उसको प्यास लगी होती, भूख, उसकी चोंच ऐसे खुल जाती है। मैंने तो पेड़ लगाई है उसको, एक्चुअली वो बहुत नौटंकी है, इधर उधर भाग जाती है। अगर उसको आसपास में तो उसको पता है कि मैं इतने एरिया से आई हूँ तो मुझे वापस आना, तो वापस आ जाती है। कई बार उड़ान बारी वाली भर लेती है, फिर उसको डायरेक्शन समझ में, या किसी दूसरे बर्ड के पीछे फ्लाई कर लेगी और फिर उसको डायरेक्शन भूल जाती है कि मुझे वापस कहाँ से आना है, तो वो नाटक करती रहती है। सो आज तो हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि दूसरी सोसाइटी में गई, वापस नहीं आई, बट एक घंटे के बाद वो वापस आ गई हमारा घर। तो आते ही अपना उस जगह पे बैठ गई, अब वो रेस्ट कर रही है। उसने कर लिया, उसको पहले पेड़ लगाई, उसने पिटाई करी उसकी, भागती है हमें नचाती रहती। चलो एक दिन जाने ही, अगर जाएगी तो कोई बात नहीं। मैं बढ़ती हूँ आगे, मुझे कपड़े सुखाने हैं, मैं सुखा लूँ कपड़े। और अब मुझे ना मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि मैं बहुत अर्ली, मैं 4 बजे ये लगा लो, 4 बजे के बाद मैं सोती नहीं हूँ। मेरे कानों में चींची सुनाई देती है उसकी, जिसे एक माँ होती है ना, मेरा वो हाल हो गया कि हायरे परेशान ना हो जाए, इधर उधर उड़ती फिरेगी। आप लोगों की माँ हूँ, अब उसकी भी माँ बन गई हूँ। ये देखो कैसे पड़ा है उल्टा। मम्मा ने देख लिया प्रैंक फेल। मुझे लग रहा था मैं मम्मा से 24 आवर्स छुपूंगा, लेकिन मम्मा ने तो पूरे 1 मिनट में ढूंढ लिया यार। 24 आवर कह रहा था नाइट तक छुपूंगा, 24 आवर छुपता मम्मा बाहर जाके ढूंढती। आई डोंट थिंक कि मम्मा को पता चला भी था। पासपोर्ट ढूंढना पड़ेगा मम्मा को, क्या पता। इसको ये इतना पड़ा हुआ ये सारा माल मामला दिखाई नहीं दे रहा, इसको हाथ से ही खाना है, हाथ से ही खाएगी। मिलायक बार जो भाग जाती है इधर उधर, वहाँ कौन खिलाएगा तुझे? कपड़े धोए, चलो क्या कपड़े खंगाल के आए, चलो मूंगफली खाए। सीधा ही खाए, इधर से दिख ही नहीं रहा, इधर से दिख रहा है मेरे बाप तो बाल। चलो अब थोड़ी स्टडी कर लो बैठ के, ठीक है? ठीक है। पापा आज मैंने बनाए छोले, और ये भाई साहब ने फरमाइश करी कि मैंने साथ में कुलचे खाने, तो ये लेके आया, फिर मैंने इसको थोड़े पका के दे दिए हैं। ये रखा है बड़े वाले का खाना, सो अभी आएगा वो, और भी गया है वो। मैंने बनाए छोले आज, मैंने साथ में था कि चलो छोले राइस बना लूँगी, बट बच्चों की फरमाइश, छोटे वाले की फरमाइश आ गई कि मम्मा नहीं, हमें तो कुलचे खाने साथ में, तो फिर वो खुद ही लेके आया। ये मेरे चावल भी बॉयल हो रहे हैं, हो गए लगभग, पकने वाले हैं। और ये एक कुलचा मैंने अपने लिए रखा, आधा आधा हमें और मेरे हस्बैंड खाएंगे, दो उनको दिए, थोड़े चावल देंगे उनको। आज ना अभी तक मेरे घर में झाड़ू नहीं लगी है, 1:30 बज गया है अभी, लंच भी लेट हो गया है। खैर रेडी है, लंच तो रेडी है, बट हस्बैंड अपने काम से गए हैं बाहर, तो मैं वेट कर रही हूँ। मुझे लग रही भूख, अब मैं खाना खाऊँगी,
हमारे ऐसा कोई नहीं कि किसी का वेट करो या कुछ, क्योंकि हर एक किस्से अपने अपने शेड्यूल है, हस्बैंड का कभी भी भागना पड़ सकता है उनको, तो मेरी क्लासेस की टाइमिंग्स रहती है, सो अकॉर्डिंगली मुझे लेना पड़ता है, अपना मील टाइमली लेना पड़ता है, तो मैं भी करूँगी। और मेरे चीचड़ू ने शोर मचा रखा है, वो भाग गया था, फुर्र हो गया था, अब फिर बुद्धू से उसको रास्ता मिलता नहीं है। अच्छा क्या बता रहा है, कुछ तो बताने आया है, देखो क्यों जो करके कुछ बता रहा है मुझे, क्या चाहिए, मम चाहिए, देखना भी ना मैं इसको मम पिला, मम पिएगा ये ला, मम मम मम, देखो इसको बोलो ना मम तो चोंच खुल जाती इसकी। ये देखो मेरे घर में ये ना अभी कितना इसने वो मूंगफली खाई है, और ये इसमें ढक्कन में डाल के रखा था सारा, इस चीचड़ू ने नीचे गिराया वो ढक्कन, सारा गंदा कर रखा है इस चीचड़ू ने। खाना खाएगा मेरा बच्चा, तू आवारा तू भाग जाता है, ये देख टेबल का हाल तूने क्या कर दिया, पैर से मार मार के सारी तरफ बिखेरती है ये। जिसमें आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ये ना मैंने फ्रीज़र में ना ये ग्लास बॉटल्स हैं, ये कांच की बॉटल है जो मैंने भर के लगाए थे कल, मेरा एक्चुअली टेम्परेचर हाई होने की वजह से तो कूलिंग नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा चलो फ्रीज़र में रख के गर्म ठंडा हो जाएगा पानी, और रख दिए, और उसमें आइस जम गई आज, और वो मेरी चार बॉटल्स जो है चार पांच जो ऐसे टूट चुकी हैं सुबह से, उसमें आइस हो गया, और शेप देखो आइस की, अब ये सारे मैं इसके अंदर, ताकि जो कचरा उठाने वाले आते हैं ना तो उनको लग ना जाए, तो मैं तीन चार लेयर्स में डाल के हमेशा कांच जो है वो मैं गिराती हूँ, मैं कभी ऐसे डायरेक्टली नहीं गिराती कि ऐसे कोई उठाने लगे और किसी के लग जाए, समय इसको। हाँ बेटा नहीं बेटा वो सो गई अपने घोंसले में, गई रेस्ट सोने गई, मैं भी आया अपने फ्रेंड को लेके, तो ये देखो ये देखे मैंने ग्लास उसके ऊपर से हटा दिया, ये आइस रह गई उसमें, देखो जो पानी था वो फ्रीज हो गया ऐसे शेप में निकल आया, और ये बॉटल टूट के बाहर आ गई। देखिए मैंने कांच को ना डबल लेयर में कर दिया, और इसको ना मैं कचरे में नहीं डालती, मैं कचरे से अलग इसको बाहर रख देती हूँ, ताकि जो भी उठाने वाले ना उनको कोई नुकसान ना हो। ये देखिए शाम हो चुकी है, शाम इन द सेंस के 6:30 हो चुके हैं, और मेरा चीचड़ू जो है ना साउंड कर रही है, ये देखो अपने घोंसले में जा चुका है, ये देखो जाग रहा है छोटा सा, आज ये भाग गया था, खो गया था रास्ता, भटक गया था मेरा बच्चा। बुलाओ बुलाओ भैया को बुलाओ, गर्मी है, पानी पीते रहे हैं, पानी पीते रहे। अभी हम करेंगे प्रेयर। ये देखो मेरे पास है नन्ही सी पेंसिल, एक्चुअली जो बिल्कुल ही जो बच्चे निकम्मी करके फेंक देते ना उसको मैं मार्किंग के लिए रख लेती हूँ, तो ये मेरी नन्ही सी पेंसिल है, काम आ रही है कलर पेंसिल। हमारे आज के वीडियो को हम यहीं पे करेंगे एंड समाप्ति, आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखो और हैप्पी रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, खूब गर्मी या खूब सारा पानी पियो, खुश रहो, आबाद रहो, और नेगेटिव थॉट्स से आज़ाद रहो, और पहला भरोसा रब पे करो। इधर बाय बाय ले लो किसी भी, हम आपका कैमरा साफ नहीं है, एक और बार रीटेक करो, कैमरा साफ है, ठीक है साफ है, ओके बाय।